नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। भगत सिंह एक ऐसा नाम है जिसे वो भी जानते हैं जिन्होंने इतिहास की किताबें नहीं पढ़ी हैं, वो भी उसमें दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इस नाम के पीछे जो हकीकत है, जो कहानी है, उसको लेकर के कई सारी गलत फहमियाँ हैं। तो इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए आज भगत सिंह के जन्मदिन के अवसर पर सिलसिलेवार तरीके से इतिहासकार इरफान हबीब से पूरे मामले को समझते हैं और ये समझते हैं कि आज जो भारत में परेशानियां हैं, उन परेशानियों को लेकर के भगत सिंह को कैसे देखा जाए। तो सर, आपसे पहला सवाल ये होगा कि हम ये देखते हैं कि भगत सिंह ने केवल 23 साल की उम्र में राष्ट्रवाद, समाजवाद, सेकुलरिज्म, साम्राज्यवाद और बहुत बड़े बड़े विचारों पर काम किया, उसके बारे में लिखा और आंदोलन भी किया, लोगों तक पहुंचे। तो एक अजीब सा होता है कि ये आदमी 23 साल की उम्र में इतना कुछ जानता है, तो इसकी जीवन यात्रा क्या रही होगी, वो कैसे गढ़े गए होंगे, थोड़ा उसको बताइए संक्षिप्त में कि क्या यात्रा थी उनकी। देखिए, पहली बात तो भगत सिंह जैसे लोग दुनिया में रोज पैदा नहीं होते। भगत सिंह एक एक्सेप्शन है, ये हमें मान के चलना चाहिए कि भगत सिंह आप रेप्लीकेट नहीं कर सकते। अब वो एक्सेप्शनल करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इस पर हमें जोर देने की ज़रूरत है। एक तो भगत सिंह एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जिसमें क्रांति सोच, देशभक्ति, सेकुलरिज्म, ये सब उन्होंने विरासत में पाया। उनके चचा अजीत सिंह, उनके पिता सरदार किशन सिंह, उनके दूसरे चचा सरदार स्वर्ण सिंह, ये सब लोग क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे, कांग्रेस से जुड़े थे और पेजेंट मूवमेंट, किसानों के आंदोलन से जुड़े थे। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जो भगत सिंह ने अपने परिवार में देखी, तो उसमें उनको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। अभी किसी ने मुझसे, जहाँ मैं था, एक सवाल किया था किसी नौजवान ने कि भगत सिंह को आप कैसे देखते हैं, ये एक नेचुरल था उनका किरदार या नर्चर था, क्या वो पैदा किया गया वो किरदार मेहनत करके, या वो कुछ नेचुरली था। तो मैंने यही जवाब दिया कि भाई वो नर्चर तो है ही नहीं, उन्होंने जो विरासत में पाया उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, उसकी उसकी समझ उन्होंने आगे बढ़ाई एक नए सिरे से, नए जमाने के साथ। दूसरी चीज, भगत सिंह एक बड़े धार्मिक परिवार में पैदा हुए थे, एक ऐसे परिवार में जो बड़ा अनयूजुअल परिवार है, जो आर्य समाजी सिख परिवार, आर्य समाजी भी और सिख भी, और तो ऐसे परिवार में पैदा हुए। प्रैक्टिसिंग गीता मंत्र वो पढ़ा करते थे, उन्होंने खुद अपने वायमन थीस में लिखा है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसमें लिखा है मैं तो अपने बचपन में गीता का उच्चारण भी करता था, तो मैं एक बिलीवर था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समझ पड़ी, जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, क्योंकि वो पढ़ते बहुत थे, ये एक उनकी जीवन का मंत्र है सक्सेस का, कि उन्होंने इतना पढ़ा अपने बचपन से लेके और छोटे जीवन में 23 साल की उम्र तक, कि उन्होंने जो कुछ भी हाथ हाथ लगा वो उन्होंने पढ़ा, चाहे वो हिंदुस्तान का इतिहास हो या बाहर के, हिंदुस्तान से बाहर का इतिहास हो, आयरिश क्रांति हो, बोल्शेविक क्रांति हो, कुछ भी हो, कविताएं टेनिसन, मिल्टन, रूमी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब मैं ये रेंज बता रहा हूँ। तो उस आदमी की ये रेंज है, जो इतना पढ़ता है उसको पढ़ने के बाद ही उसमें ये समझ पैदा हुई कि किस तरह का भारत वो चाहता है, वो भारत की समस्याओं को कैसे देखता है, जातिवाद को कैसे देखता है, सांप्रदायिकता को कैसे देखता है, और कॉस्मोपॉलिटन विजन कैसे है, यूनिवर्सल, खुला दिमाग। वो ऐसे भारत में अपने आप को पाया, ऐसा ऐसा विजन था जो पोरस है, जिसमें आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं, कोई रुकावट नहीं, कोई टेरिटोरियल बाउंड्रीज नहीं। तो इस तरह का व्यक्तित्व जिसका हो, उससे आप यही उम्मीद करते हैं जो उसने किया, जो उसने छोड़ा, जो क्रांतिकारी विरासत छोड़ी, वो इसलिए छोड़ी क्योंकि वो उसका उसका व्यक्तित्व इस प्रकार का था जैसे मैं बयान किया। एक सर क्या कहते हैं, भगत सिंह का वास्तविक जीवन है जिसके बारे में आप कुछ कुछ बता भी रहे हैं, वो अध्ययनशीलता, वो पारिवारिक पृष्ठभूमि, वो एक खुलापन दिमाग, और एक भगत सिंह को एक इतिहास की किताबें गढ़ती हैं जो अलग अलग तरीके से
या अलग अलग समाज गढ़ता है, कभी उसको सिख धर्म के अंदर ही कैद करके छोड़ देता है, कभी कभार केवल क्रांतिकारी समाजवादी कैद करके छोड़ देता है, बहुत अतिरेक में जा करके कुछ लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। तो आप अगर एक समग्रता में बताएं कि भगत सिंह को अगर समग्रता में देखा जाए कुछ लक्षणों के साथ, तो आप उसे कैसे स्पष्ट करेंगे ठीक है, हिंदी पट्टी के लिए खासकर? पहली बात तो ये है कि भगत सिंह को आप एक किसी स्टीरियोटाइप में आप नहीं डाल सकते। आप भगत सिंह को किसी एक विचारधारा में सीमित नहीं कर सकते। भगत सिंह एक मार्क्सवादी हैं, मार्क्सवादी विचारक हैं, समाजवादी विचारधारा से एक जुड़ाव है जो उनके उनकी लेखों से भी पता चलता है और जो लिटरेचर वो पढ़ रहे हैं उससे पता चलता है। दूसरी चीज, वो किसी फॉर्मल मार्क्सिज्म से नहीं जुड़े। मार्क्सवादी होना और किसी मार्क्सवादी विचारधारा से किसी किसी फॉर्मली किसी संस्था से जुड़ना, वो दो अलग चीजें हैं। तो उनकी सोच में गुंजाइश थी जिसमें वो टैगोर को भी पढ़ सकते थे, मार्क्स को भी पढ़ सकते थे, एंगल्स को भी पढ़ते हैं, ट्रॉट्स्की को भी पढ़ते हैं, बुखारिन को भी पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें, कविताएं भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। तो ये आदमी है जो जो अपने आप को बंधा हुआ नहीं पाता है किसी से। तो मुझे नहीं लगता है कि भगत सिंह को आप कहीं किसी कोई या कोई भी व्यक्ति कोशिश करे कि वो उनको एक सीमित कर दे एक विचारधारा में। वो एक गलत अटेम्प्ट होगा, वो करना भी नहीं चाहिए। जो पगड़ी पहना रहे हैं लोग, उनको भी ख्याल होना चाहिए कि भगत सिंह पगड़ी वाला था भाई, वो केशधारी सिख था, परिवार से उसने वही इनहेरिट किया, लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को बदला ना, जैसे उसने धर्म को छोड़ा। मैं नास्तिक क्यों हूँ, इतना बड़ा एक सेमिनल ऐसे है जो लिखा जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। वो एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट भी है ना, वो एक उनकी जीवनी भी है, क्योंकि भगत सिंह की जीवनी के बारे में अगर आपको कहीं से कुछ हासिल करना है वो भगत सिंह के इस लेख से मिलता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ उसमें सिर्फ भगवान के से लड़ाई नहीं है, वो तो है ही, वो तो उसके टाइटल से पता चलता है, लेकिन वो भगत सिंह के जीवन को भी बताती है। भगत सिंह के और विचार भी उसमें सामने आते हैं, उनकी सोच, उनकी राजनीति, उनकी समझ समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, फैमिली के बारे में और धर्म के बारे में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर। एक हिंदी पट्टी में हमेशा से गलतफहमी बहुत पुरजोर तरीके से बैठा दी गई है कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया उनके फांसी से, तो थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए। केवल एक बात हो रही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बैठाई गई है, इसको थोड़ा क्लियर करके। ये सवाल मुझसे तो अक्सर पूछा जाता है, मैं जामी कहीं बोलता हूँ तो ये सवाल आ ही जाता है कि गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया। पहली बात हमें यह ख्याल ध्यान में रखनी चाहिए कि भगत सिंह और गांधी जी के विचारों में, विचारधारा में एक मेजर अंतर था और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। गांधी जी बड़े मुखर थे, लिखते थे, और गांधी की ये ईमानदारी थी कि वो अपनी जो बात वो किसी के बारे में समझते थे उसको यंग इंडिया में, हरिजन में, जो भी जहाँ भी वो अपने लेख लिखते थे उसमें वो लिख देते थे। तो उन्होंने बहुत बार अपने सब जो विचार हैं इनकी क्रांतिकारियों के बारे में, उनके बारे में लिखा। अब जब ये सवाल पैदा होता है कि भगत सिंह की जब लॉर्ड इरविन से बातचीत शुरू हुई 1931 के आंदोलन के बाद, लाखों लोग ब्रिटिश जेलों में बंद थे आंदोलन के बाद ना, पूरे हिंदुस्तान में, तो उनकी तादाद लाखों में थी, उन सबको छुड़वाने की जिम्मेदारी गांधी की थी। गांधी इरविन पैक्ट का ये एक बड़ा मसौदा था कि इन लोगों को छोड़ा जाना है। ब्रिटिश सरकार ने साफ तौर से, ये आपको रिकॉर्ड में भी मिलता है, साफ तौर से लॉर्ड इरविन ने कहा कि अगर आप भगत सिंह और उनके साथियों की आज़ादी की रिहाई की बात करेंगे तो कोई निगोसिएशंस नहीं होंगी, इनकी रिहाई फॉर्मली इस मसौदे का हिस्सा नहीं होगा, जो नहीं था। और गांधी ने एग्री किया बातचीत के लिए, लेकिन इनफॉर्मली आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द कांग्रेस प्रोसीडिंग्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, वो लॉर्ड इरविन से बात करते रहे, कहते रहे इनको इनको छोड़ दिया जाए, इनकी इनकी जो फांसी है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए,
ये भी कहा, माफ कर दिया जाए ये भी कहा। तो ये बातें कॉन्फ्रेंस की जो उनकी आपस की लॉर्ड इरविन उनकी जो बातचीत थी उसके बाहर, मसौदे से बाहर बातचीत गांधी ने की, वो रिकॉर्डेड है। तो सिंसियरिटी तो थी कि चाहते थे वो, लेकिन ये भी जिम्मेदारी थी कि लाखों लोगों को छुड़ाना है। अगर बातचीत नहीं होती है तो लाखों लोग हिंदुस्तान की जेलों में बंद थे जिनको छोड़ना जरूरी था। तो ये एक प्रेशर भी गांधी पर था जिसको हम लोग भूल जाते हैं, देखते नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, भगत सिंह खुद, उनका अपना एटीट्यूड क्या है इसकी तरफ, अपनी माफी की तरफ या अपनी फांसी की तरफ? भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, जब भाई पिता होने के नाते वो कोशिश कर रहे थे और उन्होंने बहुत सी कोशिशें की कि भाई जान बच जाए, आखिरी हथियार उन्होंने जो इस्तेमाल किया वो था प्रिवी काउंसिल में अपील करना। प्रिवी काउंसिल में अपील किया, वो अपील भेजी, भगत सिंह से डिस्कस नहीं किया। और जब भगत सिंह को पता चला, तो वो पत्र मौजूद है जो मैंने इस्तेमाल भी किया है अपने काम में, वो इतना सख्ती से अपने पिता को पत्र लिखते हैं कि आपने मुझे शर्मिंदा किया है, मुझे शर्म आती है आपको अपना पिता कहते हुए, आपसे किसने कहा था कि आप मेरे लिए माफी मांगे या मेरे लिए ऐसी ऐसी कोई अपील ब्रिटिश सरकार से करें? मैं चाहता हूं कि मुझे मुझे फांसी हो जिससे आगे आने वाली जनरेशंस में मैं और भगत सिंह पैदा करने के लिए उत्सुक हो, तैयार हो। तो मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि मुझे माफी मिले, तो आपने कैसे कर दिया? तो ये एक बहुत ही कठोर शब्दों में पत्र लिखा सरदार किशन सिंह को भगत सिंह ने। तो ये पूरा एक उसमें जिम्मेदारी फिक्स करना गांधी की, अब मतलब अब अच्छा उसका कोई मकसद भी नहीं है, हाँ, तो मतलब भी नहीं बनता है। अच्छा सर, एक बात हमेशा जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, जो विचारों के प्रति प्रतिबद्धता भगत सिंह की बता रहे हैं, वो हमेशा ऐसा कोशिश करती हैं कि वो ये करें कि भगत सिंह को बतलाने की कोशिश करें कि वो बम और पिस्तौल के पीछे हैं और गांधीवादी जो रुख अहिंसा प्रेम का है वो अलग है। तो थोड़ा आप ये बताइए कि अहिंसा प्रेम, समावेशी विश्व प्रेम को लेकर के जो भगत सिंह के विचार थे वो कैसे थे, और कैसे कहा जाए कि नहीं वो दूसरी तरह से सोचते थे जिस तरह से दक्षिणपंथी ताकतें नहीं बताती हैं। दक्षिणपंथी ताकतों को तो एक्चुअली बड़ा बड़ा इनकन्वीनियंट है उनको उनको भगत सिंह के विचारधारा पर बात करना। उनको बहुत सुविधा उनको इसी में है कि वो भगत सिंह को एक शहीद और एक राष्ट्रवादी डिक्लेयर करके उसकी फोटो पर माल्यार्पण करते रहे, क्योंकि भगत सिंह की विचारधारा पर जब बात करेंगे तो उसमें उनको कहीं भी अपना अपनी इमेज दिखाई नहीं देगी, वो कहीं नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो उनकी सोच बिल्कुल अलग है ना। भगत सिंह ने तो जो लिखा, जो बोला, जो कहा, वो एक एक समावेशी राष्ट्रवाद की बात करते थे ना, मिला जुला राष्ट्रवाद। इसलिए भगत सिंह एक अकेला व्यक्ति है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का के हीरोज में, जो जिसका सम्मान हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों दोनों देशों में होता है, कोई नहीं मिलेगा आपको ना? तो वो इसलिए है क्योंकि क्योंकि भगत सिंह ने जोड़ने की बात की, मोहब्बत की बात की। उनका राष्ट्रवाद मोहब्बत से जुड़ा है, नफरत से नहीं। तो ये फर्क है जिसको हम नहीं समझ पाते। और ये दक्षिणपंथी ताकतों को तो मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं। क्या ये बात ठीक है कि अपने अंतिम समय में जब वो संघर्ष कर रहे थे तो वो इस सोच से आ गए थे कि जो स्वतंत्रता संघर्ष है वो अहिंसा के दम पर ही आगे बढ़ सकती है? वो आए थे, उन्होंने बाद में लिखा भी है और जेल में भी लिखा है कि साफ तौर से उनकी ये समझ बन गई थी कि हिंसा से या अपनी जान निछावर करने से कुछ नहीं होने वाला, हम अपने जो रैंक्स हैं, अपने जो साथी हैं, उनको हम खोते रहेंगे एक के बाद एक। असली मकसद है आप नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को इकट्ठा करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां वो सब जुड़े, और जुड़ने के बाद हम अपने देश में एक आमूल चूल परिवर्तन हम ला सकें मोबिलाइजेशन के बाद। तो ये साफ तौर जेल के अंदर, जेल में जो रहे 113 दिन की भूख हड़ताल की, और उसको मैं कहता हूँ कि गांधी जी के लिए एक बड़ा एक अच्छा जवाब था ये कि सोल फोर्स का इस्तेमाल करना। भाई गांधी का तो हथियार यही था ना कि भूख हड़ताल गांधी जी बहुत करते थे,
तो इन क्रांतिकारियों ने तो भूख हड़ताल की अहिंसा के पथ पर चल के, और अपनी मांगों को लेकर, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए किताबें मिलनी चाहिए, साबुन मिलना चाहिए, खाना अच्छा मिलना चाहिए, यही तो डिमांड्स थी, और सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए थी वो। और जतिन दास उसी में मर भी गए 63 दिन के हड़ताल के बाद। तो ये एक साफ तौर से एग्जाम्पल है कि वो हिंसा में तो विश्वास उनका था ही नहीं। भगत सिंह का एक ही तो एपिसोड है, सॉन्डर्स मर्डर, बस, उसके अलावा तो हिंसा उन्होंने कभी की नहीं। ठीक, वो कहते भी हैं कि बहरों को सुनाने के लिए, जब वो बहरों को सुनाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो फिक्र कहते हैं कि सुनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब बहुत छोटी सी बातचीत में भगत सिंह जैसे व्यक्तित्व को समेटना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी एक आपसे सवाल है कि भारत की जो इस समय की परेशानियां हैं, सांप्रदायिकता है, फिर एक तरह का तीक्ष्ण सोच है, धर्मांधता है, ये सारी जो परेशानियां, मीडिया पर कब्जा है, ये सारी जो परेशानियां हैं, इन परेशानियों के संदर्भ में जो भारत का नौजवान है वो बिल्कुल इससे अलग रहता है, वो एक अलग दुनिया में है, लेकिन वो भगत सिंह के प्रति बहुत आग्रही है, वो भगत सिंह को लेकर बहुत दीवानगी दिखाता है। तो आपको लगता है कि भगत सिंह में वो क्या है जो आज प्रासंगिक है इन सारे मुद्दों को देखते हुए? सब कुछ प्रासंगिक है। और मुझे, मैं जब ये बोलता हूँ तो मुझे अफसोस भी होता है ये कहते हुए कि भगत सिंह आज भी प्रासंगिक है, आज भी रेलेवेंट है। ये नहीं होना चाहिए था। भगत सिंह की जो भी आशाएं थी, तमन्नाएं थी, भावनाएं थी, उम्मीदें थी, उन सबको हमें पूरा कर देना चाहिए था 80 साल में, जो हमने नहीं किया। इसलिए भगत सिंह रेलेवेंट है क्योंकि जातिवाद के खिलाफ जो लिखा ना, वो आज भी जातिवाद उतनी भयंकर और खतरनाक रूप में हमारे साथ मौजूद है। सांप्रदायिकता जिसके खिलाफ वो खुलेआम बोलते रहे, लिखते रहे, मीडिया ना? अब आज जो मीडिया की हालत है हम सब लोग देख रहे हैं। भगत सिंह ने तो ओपनली लिखा 1928 में कि हमारे देश में सांप्रदायिकता और अंधा राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए हमारी जो मीडिया है, उस वक्त का मीडिया तो सिर्फ प्रिंट मीडिया था ना, रेडियो भी नहीं था ना टेलीविजन था, तो वो जिम्मेदार है क्योंकि वो भड़काऊ हेडलाइंस देता है, इररेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करता है, लोगों को लड़ाता है, धर्म और जाति के नाम पर बांटता है। तो इसलिए आज तो हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। मीडिया के लोग जो भगत सिंह की बात करते हैं उनको उनको सीखना चाहिए कि भगत सिंह के विचार 1928 में मीडिया के बारे में क्या थे। वो तो वही थे, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं, नौजवान भारत सभा जो उन्होंने बनाई, उसका मैनिफेस्टो, उसके मैनिफेस्टो में लिखा साफ तौर से कि हमारे देश में 98% लोगों की भागीदारी सरकार में होनी चाहिए, 2% इलीट की नहीं। मैं ऐसे भारत चाहता हूँ, ऐसा भारत चाहता हूँ जिसमें 98% लोगों की भागीदारी हो। तो ये जो बात, इस तरह की जो बात करता है, जो इस तरह का भविष्य भारत का, देश का सोचता है, उसके लिए तो जाहिर है कि आज जो हो रहा है वो उसके कहीं आसपास भी नहीं है, उस विजन के, उस सोच के। आपसे अंतिम सवाल है जी, कि भगत सिंह के पूरे जीवन को पढ़ने के बाद और जिन विचारों से वे प्रभावित हुए, क्या उन्हें एक दलगत निष्ठा के अंदर कैद किया जा सकता है, या यह कहना उचित होगा कि वो वामपंथी विरासत के एक मजबूत योद्धा थे? वामपंथी सोच तो थी ही उनकी, लेकिन जो वामपंथी पार्टियां हैं वो उनकी विरासत नहीं है, वो हर प्रोग्रेसिव प्रगतिशील सोच रखने वाले व्यक्ति की विरासत है। दक्षिणपंथी की तो है ही नहीं, वो तो छोड़ो, उनको हम बात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सोच जाहिर है कि बिल्कुल अलग है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, जो प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील विचार रखते हैं, भारत को समावेशी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मिली जुली संस्कृति की बात करते हैं और गरीब अमीर के फर्क को मिटाने की बात करते हैं, वो किसी भी पार्टी में हो, तार्किक पद्धति से विश्व दृष्टि को देखना, हाँ तार्किक पद्धति से देखना और साइंटिफिक टेम्पर की बात करें, है ना, वैज्ञानिक सोच हो, वैज्ञानिक सोच सिर्फ विज्ञान में नहीं, अपने सामाजिक प्रश्नों को भी वैज्ञानिक सोच से आपको समझने की जरूरत है ना, हमारी वैज्ञानिक सोच कोई विज्ञान थोड़ी है,
ना? तो हम धर्म को भी वैज्ञानिक, आप बिलीवर आप हो सकते हैं लेकिन उसमें भी आपको एक वैज्ञानिक सोच रखने की जरूरत है। सुपरस्टिशंस पे बिलीव ना करें, कम से कम धर्म मानिए, नमाज पढ़िए, पूजा कर लीजिए, लेकिन सुपरस्टिशंस को तो ना माने, धर्मांध तो ना बने। बिल्कुल, तो ये है धार्मिक होना, धर्मांध होना, हाँ बिल्कुल, दो अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी पूरी बातों से बहुत मोटी बात जो उभर कर आई, जो सीखने वाली है कि विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और ऐसा नायक पैदा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बहुत अध्ययनशील थे, बहुत पढ़ते थे, तो आज के समाज के सारी परेशानियों का जवाब इसमें निहित है कि उसे समझा जाए, पढ़ा जाए, जाना जाए। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको हमारी बातें ठीक लगती हैं तो आप न्यूज़ क्लिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।